नमस्कार, आप देख रहे हैं लालनटॉप और मैं हूं निखिल। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय माने जेएनयू पिछले कई सालों से उच्च शिक्षा में रसूख बनाए रखने वाली यूनिवर्सिटी, सरकारी रेटिंग्स के हिसाब से देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में से एक, बाकी सरकारी यूनिवर्सिटीज की तरह ही सरकार से मदद पाने वाली एक यूनिवर्सिटी। यहाँ के ज़्यादातर कोर्सेज में नाम मात्र की फीस ली जाती है, हॉस्टल में भी रहने के ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। पिछले दिनों अचानक जेएनयू में हॉस्टल फीस बेतहाशा बढ़ी और इसके खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन हुआ। इंटरनेट पर सैकड़ों तर्क चल रहे हैं जेएनयू को लेके, क्या जरूरत है बखेड़ा खड़ा करने की, पार्ट टाइम जॉब करो और पढ़ो, अमेरिका को देखो, इतना आगे बढ़ा हुआ देश है, वहां भी हजारों डॉलर की फीस ली जाती है, इस तरह की बातें हो रही हैं। वो भी देते हैं, मतलब बचकाने लॉजिक में गूंथ कर जितनी गलीज बातें जेएनयू और प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर कही जा सकती थी, कही गई और कही जा रही हैं। अब चूंकि विदेशों में शिक्षा की बात हो रही है, वहीं के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, तो ऐसे कुछ देशों की बात आपको बताएंगे जो विकसित हैं, जो अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते हैं, उसके लिए मशहूर हैं, और जहां के लोगों के पास खर्च करने के लिए भारतीयों से कहीं ज़्यादा पैसा है, लेकिन फिर भी वहां उच्च शिक्षा के लिए नाम मात्र की फीस ली जाती है। कुछ देश तो ऐसे हैं जहां विदेशी छात्रों से भी फीस नहीं ली जाती, केवल मिनिमल चार्ज लगता है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कवर करने के लिए होता है। कुछ उदाहरण ये रहे। पहला नंबर है स्वीडन का। यहाँ पर हायर एजुकेशन मुफ्त है, पीएचडी प्रोग्राम की भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। ये यूरोपियन यूनियन के छात्रों के लिए भी लागू है। रहने इत्यादि का जो खर्चा होता है वो आपको करना होता है, बाकी कॉलेज में आपको ट्यूशन फीस नहीं देनी है। 2010 तक यहाँ विदेशी छात्रों के लिए भी पढ़ाई की फीस न के बराबर थी, अब थोड़ी बढ़ी है, लेकिन स्कॉलरशिप उपलब्ध हैं। किसी भी छात्र की उच्च शिक्षा के लिए होने वाला खर्च तकरीबन $21,000 के करीब बैठता है, जो कि यहाँ की सरकार उठाती है। 22 नवंबर के एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये होता है 15,07,012.50 रुपये मात्र। ये खर्च वहाँ की सरकार अपनी जेब से भरती है हर छात्र के लिए, और सरकार के पास पैसा आता है हमारे ही देश की तरह टैक्सपेयर्स की जेब में से। दूसरा नंबर है फिनलैंड का। दुनिया के सबसे खुश, सबसे संतुष्ट देशों में से एक। यहाँ पर नागरिकों और गैर नागरिकों सभी के लिए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस माने कि सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के पैसे नहीं लगते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टोरल लेवल की पढ़ाई भी, इस पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ के हायर एजुकेशन के सिस्टम को दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम्स में से एक माना जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर स्कूली स्तर की पढ़ाई भी बेहतरीन मानी जाती है। शिक्षा पर खर्च करने के लिए यहाँ की सरकार के पास भी पैसा आता है हमारे और आपके ही देश की तरह टैक्सपेयर्स की जेब से। अगला नंबर है नॉर्वे का। लैंड ऑफ द मिडनाइट सन इसे कहा जाता है, यानी यहाँ आधी रात तक सूरज दिखाई देता है। यहाँ की सरकारी यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई मुफ्त है। मुख्य यूनिवर्सिटीज हैं ऑस्लो की, एडगर और स्टाबिंगर। रहने का खर्च ज़्यादा भले हो, लेकिन पढ़ाई वगैरह का खर्च सरकार उठाती है। यहाँ विदेशों से पढ़ने के लिए भी स्टूडेंट्स आते हैं। पहले बताए दोनों देशों की तरह ही शिक्षा पर खर्च करने के लिए नॉर्वे की सरकार के पास भी पैसा आता है टैक्सपेयर्स की जेब से। अगला नंबर है जर्मनी का। यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का खर्चा भी सरकार उठाती है। यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ पैसे चार्ज किए जाते हैं नॉमिनल, लेकिन वो उसी मद में जाते हैं, वो ट्यूशन फीस का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन वो तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती है। पहले बताए तीनों उदाहरणों की तरह ही जर्मनी भी जो शिक्षा पर खर्च करती है उसके लिए वो टैक्सपेयर से पैसे लेती है। जर्मनी के बाद बात करेंगे डेनमार्क की। डेनमार्क में भी उच्च शिक्षा का खर्च सरकार उठाती है। यूरोपियन यूनियन और स्विट्जरलैंड के स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ाई यहाँ पे मुफ्त है। बाकी बाहर के छात्रों को फीस देनी होती है, लेकिन उनके लिए कई तरह की स्कॉलरशिप्स उपलब्ध हैं जो कि वो अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर हर छात्र पर सरकार सालाना लगभग $18,000 खर्च करती है। 22 नवंबर 2019 के एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये रकम बैठती है 12,91,483.80 रुपये। इतने रुपए वहाँ की सरकार हर साल एक छात्र पर खर्च करती है। जैसा कि हम हर एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं, पहले चार उदाहरणों की तरह ही शिक्षा पर खर्च करने के लिए डेनमार्क भी अपने टैक्सपेयर्स को चार्ज करता है, उनसे टैक्स वसूल करता है। इन सारे उदाहरणों के अलावा आयरलैंड, चेक रिपब्लिक, फ्रांस जैसे देशों में भी उच्च शिक्षा के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है और पढ़ने के लिए नॉमिनल चार्ज ही देना होता है। जैसे फ्रांस में हर साल बैचलर्स की डिग्री के लिए 170 यूरो, यानी कि अपने यहाँ के तकरीबन 13,600 रुपये देने होते हैं, और मास्टर्स के लिए 240 यूरो यानी कि अपने यहाँ के 19,200 रुपये की फीस देनी पड़ती है। अमेरिका का उदाहरण बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वहाँ के स्टूडेंट्स किस तरह के स्टूडेंट डेट के तले दबे हुए हैं। वहाँ पे तकरीबन $1 ट्रिलियन का कर्ज बताया जाता है जो कि वहाँ के स्टूडेंट्स को पे करना है। यह आंकड़ा रुपए में कितना होता है मुझे नहीं पता है, मैं जो आंकड़ा मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपके लिए पढ़ देता हूँ। 718,425,000,000,000। आप अगर इसको क्लब करते, कहीं लिखते और
इन वर्ड्स गूगल करते तो आपको दिखता 718 खरब 42 अरब 50 करोड़, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों देशों की सालाना जीडीपी जो आज है उससे भी कई गुना। ये दोनों देश इतने पैसे में कई कई साल तक चलाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता नहीं है कि उसकी पढ़ाई के बारे में पेरेंट्स को सोचना पड़ता है। यही हाल यूएस का भी है, जिसका उदाहरण आप अक्सर पढ़ते रहे होंगे। जिन मिडिल क्लास पेरेंट्स के एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं यूएस में और लोन लेने की स्थिति में परिवार नहीं होता है, तो कई बार वो अपने बच्चों को कॉलेजेस नहीं भेज पाते हैं। ये वहाँ की सच्चाई है। इस वजह से वहाँ भी, यानी कि यूएस में भी, कॉलेजेस की फ़ीस को और अफोर्डेबल बनाने के लिए बात की जा रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग के काम आती है, यानी कि मानव संसाधन के विकास के लिए। इसीलिए शिक्षा का क्षेत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत आता है, उसका यही नाम रखा गया है। भारत में भारत की जनसंख्या इस वक्त दुनिया की सबसे युवा जनसंख्या है। ये एक बहुत बड़ा फायदा साबित हो सकता है किसी भी देश के लिए, लेकिन उस जनसंख्या को ट्रेन करने और उसे देश और समाज में योगदान देने के लायक बनाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी तय की जाती है, और इसीलिए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां पे टैक्स पेयर का पैसा खर्च होना चाहिए। अगर सरकार इसे कदम पीछे खींच ले तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जनसंख्या का उन सभी मौकों से वंचित हो जाएगा जिनके मिलने पर उनकी ज़िंदगी बदल सकती थी। और रही बात सरकारों के पैसे खर्च करने की, तो बता दें पिछले कुछ सालों में किर्गिस्तान, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील ने अपनी जीडीपी का लगभग 6% शिक्षा पर लगाया। इन तीनों देशों का, जिनका हमने जिक्र किया है, ये विकासशील माने जाते हैं। इनके साथ भारत की तुलना भी होती है बाकी मार्केट्स में। और एक और देश जिसका नाम आपने जीके में इस तरह खूब पढ़ा होगा कि दुनिया का सबसे गरीब देश, और जहाँ पे एक ऐसा देश जहाँ पे कोई सिनेमा हॉल नहीं है, इस तरह की बहुत सारे जीके की किताबें आती थी, भूटान। भूटान अपनी जीडीपी का 7% पढ़ाई पर खर्च करता है। भूटान के अलावा जिम्बाब्वे और स्वीडन भी पढ़ाई पर खूब खर्च करते हैं, जैसे कि हमने बताया। और भारत अपने एजुकेशन पर जीडीपी का महज 2.7% लगाता है, मतलब भूटान से भी कम। हमारा खर्च कम ही नहीं, बहुत ज़्यादा कम है आप अगर बाकी देशों से इसे कंपेयर करें। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि देश के टैक्स पेयरों का, जो कि आप सारे दर्शक हैं, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने मोबाइल में रिचार्ज कराया है, और अगर आपने रिचार्ज कराया है तो आप टैक्स पेयर हैं, आप टैक्स दे चुके हैं। इस बात को जानिए कि जिन देशों की तरह हम बनना चाहते हैं वो टैक्स पेयर का पैसा हमसे कहीं दिल खोलकर पढ़ाई में लगाते हैं, वैसा हम बनने चाहते हैं तो उनसे सीखना होगा। बाकी आप सब समझदार और स्वयं जिम्मेदार, और अपनी आपसे नमस्कार। मैं हूं निखिल, इस वीडियो के लिए रिसर्च की थी प्रेरणा ने, और कैमरे के पीछे हैं राशिद। शुक्रिया।